हेलो दोस्तों, आप सभी को बताई होगा भारत सरकार आजकल अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स पर कुछ ज्यादा ही ध्यान लगा रही है। उसी में से एक इनिशिएटिव है कि वो अपने पोर्ट्स को ज्यादा से ज्यादा कनेक्टिविटी देना चाहती है। तो आज हम उसी में से एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं और वो है कोंकण रेलवे को कोल्हापुर से जोड़ने वाली एक रेलवे लाइन। तो आज हम देखेंगे कि कहां से होकर गुजरने वाली है ये रेलवे लाइन, इससे क्या फायदा होने वाला है, इसकी क्या विशेषताएं होंगी और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में जानने के लिए, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले क्यों ना इस चैनल को सब्सक्राइब किया जाए और साथ में ही नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूले। महाराष्ट्र में बहुत सालों से सेंट्रल रेलवे को कोंकण रेलवे से कनेक्ट करने की बहुत ज्यादा मांग हो रही थी और इसी के लिए बहुत सारे रूट के ऊपर विचार भी किया गया। लगभग साल 2010 के बाद महाराष्ट्र के चिपलूण से लेके कराड़ तक एक रेलवे लाइन बिछाने का प्रस्ताव पास कर दिया गया था, पर अभी एक नए रूट पर विचार शुरू हो गया है। यह रूट महाराष्ट्र के वैभववाड़ी से शुरू होकर कोल्हापुर के श्री छत्रपति शाहू महाराज टर्मिनस तक जाने वाला है। इस रूट की कुल लंबाई 108 किलोमीटर की होगी और इस रूट को अभी सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। इस रूट के निर्माण में लगभग 3,439 करोड़ रुपीज का खर्च आने वाला है और जिसे साल 2023 या 24 तक पूरा कर दिया जाएगा। इस रूट का मैनेजमेंट पूरी तरीके से सेंट्रल रेलवे के हाथ में दिया जाएगा। जब यह रूट पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा तभी बेलगांव, बेल्लारी, गुलबर्ग, कोल्हापुर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, लातूर, बीड और सोलापुर जैसे जिलों को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। इसके अलावा इस कॉरिडोर के निर्माण से 26 लाख कार्य दिवस का रोजगार निर्माण हो पाएगा। महाराष्ट्र के पश्चिमी रीजन में कोल्हापुर को एक सबसे बड़ा औद्योगिक बेल्ट माना जाता है, जिसमें वन निर्माण आधारित उद्योग, ऑटोमोबाइल्स के कलपुर्जे, चीनी, वस्त्र, खाद्य तेल, ऑयल रिफाइनरीज जैसी फैक्ट्रियां शामिल हैं। पश्चिम तट के साथ साथ इसके निकटवर्तीय क्षेत्रों में औद्योगिक विकास में तेजी आने से भविष्य में आयात में भी वृद्धि देखी जा सकती है। इतना ही नहीं तो वर्तमान में वैभववाड़ी रोहा पुणे रूट और मिरज पुणे पनवेल रूट पर चलने वाली मालगाड़ियों के दूरी समय में उल्लेखनीय कमी संभव होगी। तो दोस्तों, आप इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं और ऐसे कौन से प्रोजेक्ट है जिसके बारे में हमें डिटेल वीडियोस बनाने चाहिए, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।